विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू के उपयोग से होने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने तथा जनता को तंबाकू उत्पादों के किसी प्रकार के सेवन से रोकने जन जागरण अभियान का शुभारंभ करते हुए शपथ दिलाई कि स्वयं भी तंबाकू के उपयोग नहीं करेंगे और लोगों को उसके उपयोग से रोकेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 मई को आज प्राथमिक स्वास्थ्य भिलाई 3 में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में जन जागरूकता के माध्यम से तंबाकू युक्त पदार्थों से होने वाली बीमारियों के बारे में सचेत करना, रोकना, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मंजन, तंबाकू और गुटखा जितने भी पदार्थ जिसमें तंबाकू मिले होते हैं इनके उपयोग से जन जागरण के माध्यम से रोकना, ताकि लोगों को पता चले कि इससे विभिन्न प्रकार के कैंसर के रोग होते हैं और ये हानिकारक है। और इसके प्रति अगर स्कूलों में अगर आसपास के पांडेय में इन सामानों को बेचता है तो सरकार की तरफ से 200 रुपये का जुर्माना है। और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते हुए पाया गया या बाजार है, अस्पताल है, ट्रेन है, बस है, बस स्टैंड है, तो ऐसी जगह में भी अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर अगर धूम्रपान करता है जिसके कारण उसके भी शरीर को नुकसान है और उससे फैलने वाले धुएं से दूसरे लोगों को नुकसान है, तो इसके प्रति भी लोगों को सचेत करना है। और किसी भी तरीके से तंबाकू युक्त जो पदार्थ है मिले हुए हैं इनके सेवन को रोक के जन जागरूकता लाना है।